वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो है बैंगन के भरते पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता, और वो भी बिना भुने। हम बैंगन को भुनेंगे नहीं, बिना भुने हम बैंगन का भरता बनाएंगे, और उसका टेस्ट वैसा ही होगा जैसे हम भुनकर बनाते हैं। कोई भी फर्क नहीं आएगा उसमें, क्योंकि बैंगन का भरता हर किसी को पसंद है खाने में। पर क्या होता है ना कि हम लोगों का ना, हम लेडीज का क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारी गैस गंदी हो जाती है, जिस वजह से हम बैंगन का भरता बनाने से ना थोड़ा सा कतराते हैं। अगर बनाना भी होता है तो हम क्या करते हैं, हम सुबह सुबह ही बैंगन को भून लेते हैं सफाई करने से पहले, क्योंकि हमें यह होता है कि सफाई करने से पहले जो गंद पड़ना है वो पड़ जाए, फिर हम बाद में एक ही बार हम घर को साफ करेंगे। तो पर आपको अगर मेरे तरीके से आप बैंगन का भरता बनाएंगे तो आपको ये झंझट करना ही नहीं पड़ेगा। आप जब मर्जी बैंगन उठाएं और बना लें, आपको कोई सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम ज्यादा। तो स्टार्ट करते हैं हम बनाना बैंगन का भरता। तो चलिए देखते हैं कैसे बना रही हूँ मैं आज बैंगन का भरता। तो चलिए फिर। तो गाइस, ये मैंने लिए हैं 3 बैंगन, और मैंने बैंगन को छील कर ऐसे लंबा लंबा काट लिया है, और इसको मैंने पानी में रख दिया ताकि इसका कलर चेंज ना हो, क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं अगर हम इनको पानी के बाहर रखते हैं तो। तो अब चलो हम आगे बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम इसको डालेंगे कुकर में। मैंने गैस में कुकर रख दिया है। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे। तो अब इसमें मैं ये सारे बैंगन हैं जो मैंने काटे हुए हैं तो ये डाल दूंगी बीच में। तो मैंने इसमें सारे बैंगन डाल लिए हैं। अब इसको ना मैं चला लेती हूँ। इसको हम ऐसे एक बार चला लेंगे, मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए। हम इसको ऐसे ही भूनेंगे थोड़ा सा। इसको ना 1 मिनट के लिए मैं ऐसे भून लूंगी। तो 1 मिनट भूनने के बाद अब मैंने ये एक टमाटर लिया, इसको मैंने काट लिया, और 2 मैंने हरी मिर्च ली है, तो इसको भी मैं ऐसे डाल दूंगी इसके बीच में। और साथ ही ना मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, बस इतना पानी डालना हमें, ज्यादा नहीं, क्योंकि बैंगन भी जो है अपना पानी छोड़ेगा। तो बस हम इतना पानी डालेंगे। पानी हमें इसलिए डालना है कि ताकि जो बैंगन है हमारे नीचे लगे ना, जल ना जाए, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो बस अब हम इसको कुकर को बंद करेंगे और 3 विसल आने तक हम इसकी वेट करेंगे। तो अब मैं कुकर को बंद कर रही हूँ। तो मैंने कुकर बंद करके रख दिया है, तो मीडियम फ्लेम में हमने इसको 3 विसल तक हमने इसको रखना है। तो मेरा ये जो फ्लेम है इसका ज्यादा आता है तो मैंने लो रखा है। आपकी गैस का फ्लेम कम आता हो तो आप मीडियम फ्लेम में रखनी है, क्योंकि मेरा इसका, इस गैस का फ्लो थोड़ा सा ज्यादा है तो मैंने इसको लो रखा है, कि लो भी इसका मीडियम ही काम करता है, तो इसलिए मैंने इसको लो में रखा है। तो आप मीडियम फ्लेम में 3 विसल आने तक आप इसको रखें, फिर आप इसको जब इसकी विसल निकल जाए अपने आप तो आप इसको खोल लें। तो ये देखना अपने आप ही पूरा से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे हमें चाहिए होते हैं बैंगन बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। तो जब हम इसको भूनते हैं ना तो क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारी जो गैस होती है ना, इसके बर्नर वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है जब हम इसको भूनते हैं बैंगन को तो बैंगन का जो पानी है वो निकलता है, जिससे क्या होता है कि हमारे बर्नर है जो वो खराब हो जाते हैं, उसके बीच में पानी चले जाता है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। हम उसको साफ करते हैं अच्छे से, कितना काम हमारा बढ़ जाता है। और कई लोगों तो ऐसे हैं, कई मतलब की लड़कियां ऐसी हैं जिनको कि साफ भी नहीं करना आता, तो वे बाहर से करवाती हैं, और वो भी दूर होते हैं, उनके घर के बाहर भी नहीं होता, क्योंकि आजकल आपको पता है सारी चीजें दूर दूर है, मार्केट भी दूर है, तो उनका वो काम भी यही रह जाता है। और जब वो खाना वगैरह बनाते हैं तो वो फ्लेम कम आता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो फ्लेम आता है उससे हमारे बर्तन है ना वो सारे साइडों से काले उठते जाते हैं। तो इससे कितना काम बढ़ जाता है जब हम बैंगन भूनते हैं, तो एक तो हमारी गैस गंदी हो जाती है, ऊपर से हमारे बर्नर खराब हो जाते हैं, ऊपर से हमारे बर्तन खराब हो जाते हैं, तो कितना काम हमारा बढ़ जाता है। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे ना बैंगन का भरता तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी।
हम अब इसकी वेट करते हैं, इतने हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं, हम प्याज काट लेते हैं इतने जितने की हमारा ये बैंगन सॉफ्ट होता है। तो चलिए गाइस अब हम कुकर खोलते हैं। तो मैंने 4 विसल लगवा दी है, तो आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा पानी लग रहा है तो अब हम इसको और थोड़ा सा सुखा लेंगे जब हम तड़का लगाएंगे। तो देखो ये एकदम से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम तड़का लगाते हैं इसको। तो गाइस अब लगाते हैं हम तड़का। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। तो जीरा जैसे चटकता है तो हम डाल देंगे इसमें प्याज। तो जीरा चटक गया है तो मैं डालूंगी ये प्याज। तो मैंने ये 3 मीडियम साइज के प्याज मैंने चॉप करके रखे हैं, तो मैं वो डाल रही हूँ बीच में। तो इसको मैं भून लेती हूँ। जैसे हमने बैंगन को बॉयल किया है ना, तो पहले के जो लोग होते थे ना पुराने, वो ऐसे ना बैंगन को भूनकर और ऐसे नमक मिर्च डालकर ऊपर से तो खाते थे। तो अगर आपको ऐसे अच्छे लगे तो हमने जैसे बॉयल किया है तो बीच में हमने टमाटर भी डाला है और हरी मिर्च भी डाली है। अगर चाहे तो आप उसके ऊपर प्याज डालकर नमक मिर्च डालकर आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे हुए हैं सॉफ्ट बॉयल, जैसे कि हम भूनते हैं ना बैंगन को, आपने देखा ही है। और पानी भी इसमें परफेक्ट है, कोई ज्यादा नहीं है इसमें पानी, इतना हमें पानी चाहिए क्योंकि हम जब तड़का लगाएंगे तब भी इसमें भूनेंगे थोड़ा सा हम बैंगन को, तो वो जो पानी है वो सारा सूख जाएगा। तो बहुत ही इजी बनता है ऐसे बैंगन का भरता। आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें, अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप बार बार बनाएंगे इसको। तो बस प्याज हमारा भून रहा है, थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही भूनने देते हैं। तो प्याज ना हमारे पिंक कलर के हो गए हैं, तो अब हम ना इसमें मटर डाल देंगे। तो मैं इसमें मटर डाल रही हूँ ताकि मटर भी है जो वो सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने ये फ्रोजन मटर लिए हैं जो मैंने स्टोर करके रखे हुए अपने फ्रिज में, मैंने वो मटर लिए हैं, तो ये ना इजीली सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसको भी थोड़ी देर हम ऐसे ही कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको मैंने कवर कर दिया, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे ताकि प्याज और हमारे मटर है जो वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखे प्याज हमने भून लिया है और जो हमारे मटर हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो ये मैं टमाटर डाल रही हूँ। तो मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के। अब हम इसको भी चला लेंगे। टमाटर डालने के बाद ना हम डालेंगे इसमें नमक, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे तो टमाटर जो है हमारे वो सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे से। टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ लाल मिर्च पाउडर। तो ये मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और साथ में डालूंगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप हल्दी खाते हो तो आप हल्दी ऐड कर सकते हो, पर मैं हल्दी नहीं डालती हूँ बैंगन के भरते में। अगर आप डालते हो बैंगन के भरते में हल्दी तो आप डाल सकते हो, तो मैं नहीं डालती इसलिए मैंने नहीं डाली। तो अब हम इसको भी ऐसे ही थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। नमक हमने पहले ऐड कर दिया है तो हम बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर हम पहले ही ज्यादा डाल देंगे तो फिर नमक ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करके रख दूंगी।
इसको कवर करके हम ऐसी थोड़ी देर पका लेते हैं। तो अब हम लिड हटाकर देखते हैं, तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा जो ये मसाला है भुन गया। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बॉयल किए हैं बैंगन, अब हम वो ऐड करेंगे इसमें। तो अब हम इसमें ये बैंगन जो हमने बॉयल करके रखे हैं वो डाल देंगे। इसको मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए इसको भी कवर करके रखेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो सूख जाएगा। तो मैं इसको कवर करके रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए, इसमें अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाएगा और जो हमारा बैंगन का भरता है वो अच्छे से बन जाएगा। तो अब हम इसकी लीड हटाते हैं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो सूख गया है, तो अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसको अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखें बिल्कुल वैसे ही बैंगन का भरता बना है जैसे हम बैंगन को भून के बनाते हैं। देखें कोई फर्क नहीं है इसमें और इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे हम बैंगन को भून के खाते हैं, कोई टेस्ट में भी फर्क नहीं आता और ये बन भी इतनी जल्दी से जाता है। आपने देखा ही है कि हमें बैंगन भूनने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा हम ऐसे बनाएंगे। तो जो हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं बैंगन का भरता तो वो इसी तरीके से बनाते हैं, वो भूनते नहीं है, क्योंकि अगर वो बैंगन को भूनने लग गए ऐसे करके बनाने लग गए तो फिर तो हो गया उनका काम। तो वो ऐसे ही बॉयल करके बैंगन को बनाते हैं बैंगन का भरता। इससे क्या फायदा होता है, एक तो हमारा ये फायदा होता है कि अगर हम ऐसे बॉयल करके बैंगन के भरते को बनाएंगे तो जो हमारे बैंगन के भरते की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हम भूनते हैं तो जब हम बैंगन को हम छीलते हैं जब बैंगन को भूनने के बाद, तो आधा बैंगन तो हमारा वैसे ही निकल आता है और बीच में से इतना सा बैंगन हमारा निकलता है जिससे हम भरता बनाते हैं और वो बिल्कुल ही कढ़ाई के नीचे साथ ही चिपक जाता है और खाने में भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आता है। अगर हम ऐसे बनाएंगे बॉयल करके तो हमारा जो बैंगन का भरता उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और खाने में भी मजा आएगा और बिल्कुल टेस्ट वैसा ही आएगा भरते का जैसे कि हमने भुना हो। कोई बता ही नहीं सकेगा आपको कि इसको आपने भून के नहीं बनाया, इसको आपने बॉयल करके बनाया है। तो आप इसको ऐसे ही बनाए तो बहुत ही लाजवाब बनेगा और टाइम भी कम लगेगा और आपका जो गंध, जो आपकी गैस गंदी होनी है और भी आपके जो काम बढ़ने हैं वो भी नहीं बढ़ेंगे। तो आप इसको एक बार ऐसे ट्राई जरूर करें मेरे कहने पर। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। तो अपना मेरा तो ये डिनर हो गया है। अगर आपको भी ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी इसको ऐसे ही बनाए और अपने घर में लंच या डिनर में आप इसको ऐसे बना के सबको सर्व करें। तो गाइस ये देखिए हमारे बैंगन का भरता तैयार है। आप चाहे इसको तवे रोटी के साथ खाएं या फिर आप तंदूरी रोटी के साथ खाएं, जैसे आपका मन करे इसको वैसे एंजॉय करें और ये बहुत ही बढ़िया बनता है। तो गाइस आज की ये मैं वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Goodbye.